हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ पे हम कट कर रहे हैं प्याज और टमाटर। तो आज हम बनाएंगे मैगी, चटपटे मसालेदार मैगी जो सभी को पसंद है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। तो चलिए हम आज मैगी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो वैसे तो सभी बोलते हैं कि 2 मिनट में मैगी बन जाता है, तो क्या 2 मिनट में मैगी बनता है? अगर आप लोग कभी 2 मिनट में मैगी बनाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमसे तो 2 मिनट में मैगी नहीं बन पाता है, जब भी बनाते हैं तो 4 से 5 मिनट लग ही जाता है मैगी बनाने में। तो चलिए हम आपके साथ मैगी की रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टमाटर, मिर्च और प्याज को कट कर लेते हैं। उधर मेरा मटर भी छिला हुआ है। तो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, तो डाल देते हैं इसमें तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 हरा मिर्च कटा हुआ, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। तो प्याज मेरा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर। तो मटर को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मटर मेरा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 चम्मच नमक ताकि टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मेरा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। तो मसाले में हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले के साथ अब हम मैगी डाल देते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तो पानी हम 2 गिलास डालेंगे इसमें, क्योंकि 1 पैकेट मैगी था तो हम 2 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हम इन सब मसालों को डालकर मैगी बनाते हैं ना तो मैगी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मैगी इसी तरह से बनाती हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक उबलने देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मैगी मसाला। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक उबलने देते हैं। तो देख सकते हैं मैगी मेरा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए आइए मिलकर खाते हैं मैगी। तो चलिए मिलते हैं खाकर आप सब से। तो फ्रेंड्स, मेरा मैगी का नाश्ता हो गया था, तो फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पनीर को कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। तो पनीर मेरा कट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे लिए हम ग्रेवी बनाने के लिए 1 बड़े साइज़ का टमाटर, 2 मीडियम साइज़ का प्याज और 3 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं। और यहाँ पे लिए हैं ताज़े हरे मटर। अब मैं फ्राई करूँगी पनीर को। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया था, तो डाल देते हैं तेल। पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं, और पनीर को ना हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि हमको कच्चा पनीर खाने में ना टेस्टी नहीं लगता। इसलिए मैं जब भी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो फ्राई करके ही बनाते हैं पनीर को। तो यहाँ पे मेरा पनीर फ्राई हो गया था, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए हल्का सा हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, टमाटर प्याज और मिर्च को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। टमाटर को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्याज टमाटर मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 से 2 मिनट तक। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट बना रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, पेस्ट बनकर मेरा रेडी हो गया है, देख सकते हैं। तो अब हम मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। तो मसाले के पेस्ट बनाने के लिए हम लिए यहाँ पे कटोरी में थोड़ा सा पानी। अब डाल देते हैं इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट तेल में डालते हैं मसाला तो मसाले जलने लगता तेल में, इसलिए हम इसका पेस्ट बना लिए हैं। देख सकते हैं हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, तो डाल दिए हैं इसमें हम 1 चुटकी जीरा, 2 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्च है, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले का पेस्ट जो हमने अभी पहले बनाए थे, उसको हम डाल देते हैं। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं मसाले को।
तो मसाले मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पेस्ट जो हमने पहले बनाए थे मिर्च टमाटर प्याज का ग्रेवी बनाने के लिए, बस वही हम इसमें डाल देते हैं। अब हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ढककर पकाएंगे ताकि इससे तेल छोड़ देगा और मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाते हैं। तो जब तक मेरा मसाला फ्राई होता है तब तक हम इधर पूड़ी बनाने के लिए आटे तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हम डाल दिए हैं 1 चुटकी अजवाइन मंगरेला और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम नमक स्वाद अनुसार। अब हम आटे को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो मसाले मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, और चारों तरफ से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटर। मटर को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पनीर। पनीर को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डालकर ग्रेवी तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस हल्का सा डालकर ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग, और ये भाप की वजह से ना अच्छे से क्लीन नहीं दिख पा रहा है। तो चलिए अब हम कढ़ाई को खाली करते हैं क्योंकि हमको इसी कढ़ाई में पूड़ी भी बनाना है। तो हम इसको ढक देते हैं और यहाँ पर हम जल्दी जल्दी पूड़ी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स पूड़ी मेरा बन गया है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थाली भी तैयार है। तो आइए आप लोग भी आकर खा लीजिए गर्मा गर्म पूड़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया था और किचन का जितना भी क्लीनिंग वगैरह था ये सब काम हम ख़त्म कर दिए थे, बस थोड़ा सा ये बर्तन धोने का रह गया था। तो यहाँ पर हम बर्तन धो रहे हैं क्योंकि जब तक ये बर्तन साफ़ नहीं होता ना तब तक टेंशन दिमाग से ख़त्म नहीं होता है। वैसे तो हमेशा मैं डेली बर्तन धोकर ही सोती हूँ लेकिन ये सबसे बड़ा काम है, जब तक ये नहीं होता ना तब तक लगेगा कि काम ख़त्म ही नहीं हुआ है। इसलिए मैं रात को बर्तन ये सब सारा धोकर ही रात में सोते हैं और धोकर सोना भी चाहिए क्योंकि रात को जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा धोकर ही रात में सोती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बर्तन मेरा साफ़ हो गया था, तो बस यहाँ पे हम थोड़ी सी सिंक को साफ़ कर देते हैं क्योंकि बर्तन धोने के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और थोड़ा सा पीलापन और चिपचिपा दिखने लगता है। इसलिए मैं बर्तन धोने के बाद इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि ये हमेशा क्लीन दिखे। और वैसे भी वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ ना तो इसमें भी कोई भी छींटा पड़ता है तो इससे और काफ़ी ज़्यादा ये गंदा दिखता है। तो मैं बर्तन धोने के बाद इसको क्लीन कर देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बस वही साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा किचन का क्लीनिंग वगैरह हो गया था, बस यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी रह गई थी। सब्ज़ी स्टैंड में नहीं रख पाए थे क्योंकि शाम में लाए थे हस्बैंड जी सब्ज़ी, तो उसको मैं सब्ज़ी स्टैंड में नहीं रख पाए थे क्योंकि हम खाना बनाने में लग गए थे। तो बस हम इसको अभी निकाल कर रख देते हैं। अगर रात भर सब्ज़ी रह गई प्लास्टिक में बांधा हुआ तो सब्ज़ी जल्द ही ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत फल है और कुछ सब्ज़ियाँ, उसको हम निकाल कर रख देते हैं सब्ज़ी स्टैंड में। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 9:30 बज गया है। तो ये काम ख़त्म करने के बाद फिर मेरा कोई काम नहीं रहेगा, फिर हम जाएंगे सोने के लिए।
तो हम लोग जितना जल्दी रात में सोएंगे सुबह में उतनी जल्दी नींद खुलती है। अगर रात में लेट से सोते हैं तो सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं और घर का काम कोई समय पे नहीं हो पाता है और सुबह में इतनी ज़्यादा भागम दौड़ रहता है कि अगर लेट से सोकर उठते हैं तो फिर कोई काम समय पे नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश करें कि 9 या 10 के बीच में सोएं और सुबह में जल्दी उठें। इससे क्या होता है ना कि हम लोगों की नींद भी पूरी हो जाती है और सुबह में उठने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हम लोगों के रात में 9 या 10 के बीच सो जाना चाहिए। और सुबह में तो बहुत ज़्यादा काम भी होता है, भागम दौड़ वाला काम होता है, इसलिए सुबह में जल्दी से उठते हैं तो घर का काम भी जल्दी से हो जाता है सुबह में और कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग मेरा वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।